प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि सभी साथियों ने इस न्यूज़ को देख लिया होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो लेवल प्रथम की जो आंसर की जारी की गई थी उसके 6 ऐसे पर्सन हैं जिनको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसकी कल क्या है 2 जून को सुनवाई होने वाली है। तो क्या साथियों इसमें क्या हो सकता है, क्या आपके अंकों में कुछ परिवर्तन हो सकता है या फिर इस भर्ती प्रक्रिया को विलम्ब करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं या फिर इसका फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। उससे पहले साथियों अपन इस न्यूज़ को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है जैसे ही अपन इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो लगभग 50% अपन को जानकारी यहीं से ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को हाई कोर्ट में चुनौती 26 मई के परिणाम को दी गई है। याचिका में चुनौती प्रियंका शर्मा व अन्य दी है। चुनौती यानी जो स्टूडेंट है प्रियंका शर्मा और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट और हैं, इन्होंने क्या है चुनौती दी है। आगे लिखा है याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया याचिका में कुल 6 प्रश्नों के उत्तरों को दी गई है चुनौती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी उत्तर कुंजी को चुनौती, कल होगी मामले की सुनवाई। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं उन साथियों को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों इससे भर्ती प्रक्रिया में कोई भी विलंब नहीं होगा। ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है इसी महीने से शुरू हो जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, आपकी ज्वाइनिंग नए सेशन में आपको दे दी जाएगी। और उसके अलावा साथियों सवाल आता है क्या जो 6 प्रश्नों को लेकर जो ये याचिका लगाई गई है क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है या नहीं। देखो साथियों ये तो कोर्ट का मामला है, यदि होता है तो अच्छी ही बात है क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चनों के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए हैं। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी 4 या 4.5 साल की मेहनत है उस पर पानी फिरना चाहिए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए था कि अपना जो रुख है उसको नरम करते हुए कि प्रश्नों को डिलीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, बोनस नंबर आप उनको दीजिए ताकि उस मेहनत करने वाले युवा को उसके सपनों को पानी फिरने का कोई भी वहाँ पर मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद है कल जैसे ही सुनवाई होगी, तो ऐसा तो है नहीं भाई कल सुनवाई हो जाएगी, हो सकता है इसके लिए आगे की डेट भी बढ़ाई जा सकती है ना। तो इतना ज़रूर है कि आपकी भर्ती पर इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा, ज्वाइनिंग आपको नए सेशन में मिल जाएगी, आप खुश रहें।